अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमने आपसे पहले भी कहा था कि आपकी आंखों पर ये जो गलतफहमी का पर्दा पड़ा है, एक दिन हटेगा ना, बहुत पछतावा होगा आपको, बहुत पछतावा होगा। नहीं पापा, दरअसल सच्चाई ये है कि आप अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी पगड़ी की इज्जत बचाने के लिए इसे घर तो ले आए, लेकिन वापिस भेजने में आपकी शान घटती है, और बस आपकी उसी गलती के कारण, उसी गलती के कारण आज सबको इस घर में भुगतना पड़ रहा है। बचवा, हमरी पगड़ी हमरी नहीं है, ये पूरे खानदान की पगड़ी है। सुना नहीं आपने, बहुत प्रचलित है, हाथी के पांव में सबका पांव। पापा तो मानने से रहे, लेकिन हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, बख्श दो हमें। अरे भूल जाओ वो मौका, प्लीज ये घर छोड़ के चली जाओ। और दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी। धानी बच्चा, अभी जरा फोन पर बात करके आते हैं, अभी आए। सुरेंद्र भाई साहब, भाई साहब सृष्टि को होश आ गए, आप यहां आ सकते हैं? जी ठीक है, हम आते हैं। जी बोले ना, तो हमें माफ कर देना, क्या होंगे हमसे। जी जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर दोबारा आपको कुछ भी करना है ना, तो 100 बार सोच समझ के करना, समझ गई आप? अरे ठीक है रूपा, सुन लिए, बार बार बोल के हमें शर्मिंदा मत करो, हम जमीन में गड़े जा रहे हैं। हमको नहीं पता था कि वो धानी ले जाकर पूजा को चखा देगी खाना, पता होता तो हम मेहंदी नहीं मिलाते। रूपा एक बात तो अच्छी हुई, लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही, हम अपनी मंजिल तक तो पहुंच गए। अपने किए का ठीकरा हमने धानी के सर पे फोड़ दिया। हाँ। और हाजी जी, एक बात तो बहुत अच्छी हुई, भोलेनाथ की कृपा से पूजा और अभिषेक भी अब धानी से नफरत करने लगे हैं। वो पूजा जो धानी की साइड ले रही थी ना, वो हमारी साइड आ गई है ना। ये तो बहुत अच्छा हो गया है। बहुत अच्छा तरीका ढूंढा अपने लोगों को हमारे खिलाफ करने का। नफरत करते आप दोनों हमसे। सही कह रहे थे पापा, नफरत की कोई सीमा नहीं होती, पर आप दोनों तो हमसे नफरत करती है ना, तो फिर पूजा भाभी के साथ और उनके बच्चे के साथ इतना गलत कैसे होने दिया आपने? क्यों किया आपने ऐसा? हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप दोनों में थोड़ी सी भी इंसानियत है, जो कि अब हम जानते हैं कि है, पूजा भाभी से माफी मांग लीजिए। प्लीज उन्हें सब कुछ सच बता दीजिए, घर में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। देखिए अगर
आप लोग सच नहीं बोलेंगे तो फिर माफी चाहते हैं, लेकिन हम अपने परिवार को धोखे में नहीं रख सकते। हमें सबको सच बताना होगा। खड़ी हो, चलो हमें चल के उसे रोकना पड़ेगा। अगर उसने नीचे जाके मीडिया सबको बता दिया तो लेने के दिन ही पड़ जाएंगे। जो रायता हमने फैलाया उसे समेटना तो पड़ेगा ना जीजी। अरे जीजी क्या सोच रही है, चलिए वो सबको वीडियो दिखा देगी, हमारा वीडियो दिखा देगी जीजी, हमारा सच सबके सामने आ जाएगा। चलिए चलिए उसे रोकना है। अच्छा भाभी भाभी एक और, हाँ एक और। एक बार क्या होता है कि एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि जब मैं आपसे बिना पूछे घर के बाहर जा सकता हूँ। तो पता मम्मी क्या बोलती है कि बेटा इतने बड़े तो तुम्हारे पापा भी नहीं हो पाए। ये वाला बढ़िया था। भैया कोई नहीं यार, शायद हवा से आवाज आई हो। पक्का? क्योंकि अभी बुआ के कमरे से भी आवाज आ रही थी। क्या बोल रहे हो? एक काम करते हैं, हम जाकर देख कर आते हैं। ए लड़की चल फोन दे। हमने कहा फोन दे। फोन नहीं देंगे हम। अब हम देखते हैं कैसे फोन नहीं देती। अब चाहे जो भी कर लीजिए, फोन नहीं दे।